हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आप काजल से वशीकरण कैसे कर सकते हो। जी हां दोस्तों, काले काजल से आप वशीकरण कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरे जो पति हैं या मेरी जो वाइफ है वह मेरे से पुरानी तरह से प्रेम नहीं करती, मेरे वश में, जैसे जो बोलते हैं मेरे प्रेम के वश में थी वह प्रेम नहीं करती। फिर कुछ बड़े बूढ़े बुजुर्ग मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि मेरा जो बच्चा है मुझसे प्रेम नहीं करता, जो पुराना प्रेम था मेरे घर में खत्म हो गया है। तो यह टोटका आपको सकारात्मक सोच से यूज करना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ यूज करना है। अगर आप इसको नकारात्मक चीजों के लिए यूज करोगे तो आपको परिणाम भी नकारात्मक मिलेगा। अगर ये टोटका आप किसी की अच्छाई के लिए यूज कर रहे हो तो आपको परिणाम अच्छा मिलेगा, आपको हो सकता है पुण्य भी मिले और जो आपका प्रॉब्लम है वह भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको गलत चीजों के लिए यूज कर रहे हो तो बिल्कुल भी ना करें, इसका परिणाम उल्टा भी पड़ सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो मैं आपको वशीकरण का टोटका बताने जा रहा हूं वह बेहद ही स्ट्रिक्ट है। मतलब अगर आपने एक भी चीज इधर से उधर किया तो उल्टा पड़ सकता है टोटका, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर समझ नहीं आया तो आप हमें नीचे कमेंट जरूर करिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी प्रॉब्लम हो, और इसको पॉजिटिव वे में यूज करिएगा। दोस्तों वशीकरण के साथ साथ मैं अभी और भी बताऊंगा कि घर में सुख शांति कैसे बनाए रखे, बुरी नजर से कैसे बचे, जग भर में अपना नाम हो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं काजल से। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह जल्दी हो जाएगा, ऐसा भी टोटका मैं आपको बताऊंगा काजल का। फिर अगर शनि दोष है आप पर तो भी यह टोटका काम करेगा। एक बात और दोस्तों, आप जान सकते हैं कि 26 जनवरी 2017 से शनि अपनी दिशा बदलने वाला है, तो अपनी दशा जानिए ये वीडियो जो ऊपर कार्ड में लिखा है उसको देख करके। फिर दोस्तों अगर आप पर मंगल दोष है तो उसका भी प्रभाव कम कर सकता है काजल। आपकी नौकरी को खतरा बना पड़ा है तो उसका प्रभाव भी कम करेगा काजल। और आपको शत्रु को वश में करना है या राहु से थोड़ी मुक्ति पानी है तो काजल का यह टोटका अपनाए और पाए सुख शांति से भरा हुआ जीवन। और जो पर्सन आपके वश में नहीं है उसको आप अपने वश में कर लीजिए, लेकिन पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। दोस्तों अगर आपके घर परिवार में हमेशा क्ले रहता है, सभी लोग घर के कोई ना कोई रूठे रहते हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं, घर की शांति एकदम भंग हो गई है, एकदम खत्म हो गई है, तो शनिवार के दिन सुबह काले कपड़े में जटा वाला नारियल लपेट दीजिए, फिर उस पे 21 बिंदु लगाएं और घर के बाहर लटका दे। ये हमेशा बुरी नजर से बचाकर रखेगा आपके घर को, या आपके घर को बना देगा टोटका प्रूफ। आप पर कोई टोटका नहीं कर सकेगा, बुरी नजर नहीं डाल सकेगा। तो यह उपाय आपको हमेशा करके रखना है अगर आप अपने घर को टोटका प्रूफ बनाना चाहते हो तो। फिर दोस्तों रवि पुष्य योग या फिर रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में गूलर के फूल एवं कपास की रुई मिलाकर बत्ती बनाएं तथा उस बत्ती को मक्खन से जलाएं, फिर जलती हुई बत्ती की ज्वाला से काजल निकालें। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, काजल बनाने का एक इजी सा तरीका, आप जब बत्ती होता है जो दिए में जल रहा है उसके ऊपर एक और दिया रख दे,
इससे आपका काजल तैयार हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यह काजल ऐसे तैयार होगा। दोस्तों एक बात और, अब चलते हैं हम हमारे वशीकरण के उपाय की ओर। वशीकरण करने के लिए आपको एक सीधा सा उपाय करना होगा। आपको लौकी का तेल, दोस्तों लौकी का तेल मार्केट में अवेलेबल होता है, बालों की सुंदरता तो बढ़ाता ही है, साथ ही आपके वशीकरण के उपाय में भी हेल्प करेगा। तो लौकी का तेल ध्यान रखिएगा प्योर हो, कोई अच्छे सोर्स से ले, कोई ऐसे जगह से ले, कोई ब्रांड अगर अच्छा हो तो उससे ले लौकी का तेल। तो लौकी का तेल जो है उसका दिया आपको जलाना है कपड़े की बत्ती में। दोस्तों याद रखिएगा, कपड़े की बत्ती में जलाना है आपको लौकी का दिया, और फिर उस पर एक दीप रख देना है। रात भर आप उसको छोड़ दीजिए तो आपका सुबह तक काजल तैयार हो जाएगा। एक बात और दोस्तों, जो दिया है उसको अंधेरे किसी कोने में रखिएगा, कोना घर का कोई भी हो चलेगा, लेकिन अंधेरे कोने में आपको रखना है जो दिया है जहां काजल बनेगा। और जब आप काजल निकाल रहे हो और सुरमा जब आप निकाले उसमें से, तो याद रखिएगा कि अंधेरे में ही निकालें, फिर आप उसको अपने आंख में लगा लें। आंख में लगाने के एक घंटे के अंदर ही आपको याद रखना है कि जिस व्यक्ति को आपको अपने वश में करना है उसको आप देखें और मन में यह मंत्र बोलें, ओम नमः कामाक्षी देवी नमः। इसको आपको 5 बार बोलना है मन के अंदर जब आप उस व्यक्ति के सामने जाएं, और आपका आई कांटेक्ट उससे छूटना नहीं चाहिए। याद रखिएगा, उस व्यक्ति से आपका आई कांटेक्ट छूटना नहीं चाहिए। आपको सीधा सा मंत्र 5 बार बोलना है, 6 बार मत करिएगा, और अगर एक बार भी आई कांटेक्ट छूटा तो ये मंत्र काम नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, आपको सिर्फ 5 बार बोलना है ये मंत्र जो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ओम नमः कामाक्षी देवी नमः। दोस्तों ये मंत्र से वशीकरण हो जाएगा, लेकिन आपको इसको पॉजिटिव वे में यूज करना है, नेगेटिव वे में बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह मंत्र उल्टा भी पड़ सकता है। और इस बात का जरूर ध्यान रखें, जब आप मंत्र बोल रहे हो तो आपको एक ही बार में 5 बार यह मंत्र को बोलना है, दूसरा ट्राई नहीं करना है, क्योंकि एक बार आप ये मंत्र बोलेंगे तो आपका जो सुरमा है उसका असर शुरू हो जाएगा। तो फिर अगर आपने ऐसा किया, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आप आज सुरमा लगा करके 1 घंटे के अंदर उस व्यक्ति के पास पहुंचे, आपका आई कांटेक्ट हुआ और आपने 5 बार यह मंत्र बोला, लेकिन अगर एक बार यह मंत्र नहीं हुआ, आपका एक बार आई कांटेक्ट बीच में छूट गया, तो आप दूसरे दिन फिर से ट्राई करिए, काजल फिर से लगाइए, 1 घंटे के बाद उस व्यक्ति के पास फिर से जाइए, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के बाद नहीं, 1 घंटे के अंदर आप उस व्यक्ति के पास फिर से जाइए और आप मंत्र उच्चारण का ट्राई करिए, लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा आई कांटेक्ट आपका छूटे नहीं। दोस्तों यह बहुत ही चमत्कारी मंत्र है और इसका असर तुरंत ही मिलेगा आपको। तो याद रखिएगा, इसको पॉजिटिव वे में यूज करना है, नेगेटिव में नहीं, वरना आप पर यह मंत्र उल्टा भी पड़ सकता है। दोस्तों काला सुरमा एक शीशी में लेकर अपने ऊपर से शनिवार को 9 बार सिर से पैर तक किसी से उतरवाकर सुनसान जमीन पर गाड़ दे। गाड़ने के बाद पीछे पलटकर ना देखें और जिस औजार से आपने गड्ढा खोदा था उसको वहीं पर छोड़ दें। इसके अलावा
सरसों के तेल की मालिश करने और आंखों में काला सुरमा लगाने से भी शनि दोष दूर होता है। या आप चाहे तो प्रत्येक शनिवार को रात्रि में सोते समय आंख में काजल का सुरमा लगाए या फिर शनि को छाया दान भी कर सकते हैं। इससे आपका शनि दोष जो है थोड़ा कम हो जाएगा, शनि का जो कुदृष्टि आप पर पड़ रही है, शनि की कुदृष्टि आप पर पड़ रही है वह कम हो जाएगी और आपको राहत मिलेगा। फिर जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में कई रुकावटें आ गई है, आपका शादी का एज निकला जा रहा है और आपकी शादी नहीं हो रही है, इसके लिए यह टोटका है। दोस्तों, उस व्यक्ति को सुनसान भूमि में लकड़ी से जमीन खोदकर नीले रंग का फूल दबाना है। दोस्तों, नीले रंग का फूल कोई भी हो, फूल का रंग आप ध्यान रखिएगा, नीला होना चाहिए, फूल कोई भी हो चलेगा लेकिन नीला होना चाहिए। और शनि के दुष्प्रभाव के कारण विवाह में अगर विलंब हो रहा है तो शनिवार के दिन लकड़ी से भूमि खोदकर काला सुरमा दबाइए, इससे आपका शनि का प्रभाव कम पड़ेगा और आपकी शादी जल्द ही हो जाएगी। ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं विवाह के, ये काम करता है। दोस्तों, मल मास का महीना खत्म हो गया है तो आप ऐसा करें कि इस बार विवाह के सीजन में यह टोटके कर लें विवाह के सीजन से पहले और अपना विवाह झटपट कर ले, सगाई कर ले, शादी कर ले और एक सुखी जीवन जिए। फिर दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में मंगल खराब असर देने वाला सिद्ध हो रहा है, नीच का हो या कुंडली मांगलिक हो, तो सफेद सुरमा आंखों में लगाएं, इससे आपके मंगल शुभ असर देना शुरू कर देंगे, आपको शुभ प्रभाव मिलेगा आपके मंगल से। फिर दोस्तों, यह नौकरी का मैं टोटका आपको बताने जा रहा हूं। कुछ लोग ऐसे हैं कि नौकरी एकदम वर्ष पे है कि खत्म हो जाए या फिर आपको नौकरी से निकाल दे, आपका बॉस एकदम गुस्सा हो जाए, एकदम गुस्सा रहता हो आपसे, तो उसके लिए आप यह टोटका कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो टोटका है आपको गुप्त तरीके से करना है, याद रखिएगा, ज्यादा भारी टोटका नहीं है, एकदम हल्का है, लेकिन आपको गुप्त तरीके से करना है। इसका प्रभाव आपको सबसे ज्यादा तभी मिलेगा। आपको 5 ग्राम डली वाला सुरमा लेना है और उसे किसी सुनसान जगह पर गाड़ देना है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं डली वाला सुरमा पहले क्या होता है। आप कोई भी काजल लेते हो तो एक डली होती है ना, एक छोटा पीस होता है, एकदम 5 ग्राम का। आप एक डब्बी ले सकते हो काजल की, जो प्लास्टिक वाली काजल की डब्बी आती है वह भी आप इसमें ले सकते हो और उसको जमीन में गाड़ सकते हो। लेकिन जब आप जमीन में गाड़ रहे हो तो याद रखिएगा, जो टुकड़ा है उसके 2 पीसेस या ब्रेकेज नहीं हो कहीं पे भी, एकदम एक डली होनी चाहिए, जो बोलते हैं ना एक पीस होना चाहिए काजल का और 5 ग्राम के आसपास होना चाहिए। ध्यान रहे, 5 ग्राम हो तो बहुत ही अच्छा है, थोड़ा आधा ग्राम तक ऊपर नीचे चलेगा। बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि आप एक प्लास्टिक की डब्बी खरीद लें और उसको ही सीधा जमीन में गाड़ दें, प्लास्टिक के साथ गाड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप गाड़ दें उसको अच्छे से और आपकी नौकरी पर जो बना खतरा मंडरा रहा है वह समाप्त हो जाएगा। आपका अगर ट्रांसफर होने वाला है तो वह भी रुक जाएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा आपके जॉब में। दोस्तों, फिर अचानक धोखा, धन नाश या घटना दुर्घटना के लिए राहु जिम्मेदार होता है। अगर आपका राहु अशुभ भाव या स्थिति में है तो आप यह उपाय करें। दोस्तों, ज्यादा भारी उपाय नहीं है, यह भी हल्का उपाय है। आपको 400 ग्राम सुरमा लेना है, काला काजल लेना है दोस्तों, याद रखिएगा,
और उसे बहते जल में प्रवाहित कर देना है। आपके घर के आसपास गंगा, जमुना, कोई भी घाट है तो वहां पर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई घाट नहीं है तो कोई तालाब, अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी हो, छोटा तालाब हो, उसमें भी आप करेंगे तो आपको प्रभाव अच्छा मिलेगा। फिर दोस्तों, आपको शत्रु को, जो आपको बहुत ही परेशान कर रहा है, आपके घर परिवार में कोई फैमिली वाला है, आपको अगर परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, घर परिवार हुआ या ऑफिस में हुआ या बिजनेस में हुआ, अगर आपको कोई बहुत तंग कर रहा है तो उसके लिए चांदी के 5 छोटे छोटे सांप बनवाएं। दोस्तों 5 छोटे छोटे चांदी के सांप आप कोई भी सोनार को बोलोगे तो आपको बना करके दे देगा। फिर उस सांप की आंखों में रोज सुरमा लगाकर पैरों के नीचे दाब के 21 दिनों तक सोते रहना है, जिससे आपका जो शत्रु परेशान कर रहा है आपको परेशान करना छोड़ देगा और आपके वश में आ जाएगा। दोस्तों जैसे बोलते हैं ना, ये अटैक पे काउंटर अटैक है, तो ये आपका काउंटर अटैक है कोई शत्रु से, कोई आपको अगर कोई शत्रु तंग कर रहा है तो उसको जवाब देने के लिए। तो दोस्तों यह थे हमारे काजल के अचूक टोटके और वशीकरण के तरीके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी ऐसे टोटकों के लिए, और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आया तो। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, मुझे नीचे कमेंट करिएगा, जवाब आपको मिल जाएगा। आखिर में चलता हूं दोस्तों, जय श्री कृष्ण।